हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल वाई डू वी फॉल इल चैप्टर का भी हम रिविजन करेंगे डिजीज़ रेफर्स टू एनी कंडीशन जो कि डिस्टर्ब करे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिम्टम्स एक डेफिनेट इंडिकेशन दे सकते हैं कि कौन सी बीमारी है सिम्टम्स या डिजीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए हो सकते जैसे कोल्ड कफ ये डायबिटीज़ जैसी जो लंबे समय के लिए भी हो सकती है ए पर्सन मे हैव पोअर और गुड हेल्थ बट बींग डिजीज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर्स यानी कि सिर्फ हेल्थ होने से ये नहीं है कि आप डिजीज़ फ्री हो जाएंगे डिजीज़ फ्री के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेवार हैं हम कब कहते हैं वेन डू वी से पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ जब फंक्शनिंग ऑफ बॉडी डिस्टर्ब हो जाए और बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को आने लगे साइंस जो होते हैं वो डेफिनेट इंडिकेशंस होते हैं और इनको डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड वगैरह से बताते हैं सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें खुद महसूस होते हैं जैसे कि कोल्ड कफ वगैरह बीमारी कैसे हो सकती हैं तो बीमारी वायरस से हो सकती हैं बैक्टीरिया से अंडरेशमेंट अच्छा ना खाने से जेनेटिकली प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से और इन्वामेंटल पोल्यूशन की वजह से अब आपके पास चार सवाल हैं पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ डिफाइंड एंडवी कैन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज हेल्थ की डेफिनेशन का भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा वैसे इसका फर्स्ट का आंसर सेकेंड ऑप्शन का ये है आइए फर्स्ट और सेकेंड का बाकी आंसर कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हेल्थ की डेफिनेशन आप ये लिखेंगे कि इसका सिंपल मतलब सिर्फ फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग नहीं है सेकेंड क्वेश्चन में हेल्दी और डिजीज फ्री पूछा गया उसका आंसर ये है कि बींग हेल्दी मीन्स दैट यू आर वेल फिजिकली सोशली एंड मेंटली देर फॉर सिंपली बींग डिजीज फ्री डज नॉट मीन कि आप हेल्दी हैं डिजीज ओनली यूजली रेफर टू फिजिकल हेल्थ और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज तो उसमें आप ये साइंस लिख देंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं और ये सिम्टम्स लिख देंगे और अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीमारी के कारण क्या है तो उसमें आप ये लिख देंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस